हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बेटा आज हम बसंत बुक में पार्ट आठ पढ़ेंगे। शामे किसान पार्ट का नाम है बेटा, और कवि है इसके सर्वेश्वर व्यास, सक्सेना जी इसके कवि हैं। तो इस कविता में कवि ने जो पहाड़ है उसकी तुलना एक किसान से की है, ठीक है, और शाम होने का वर्णन किया गया है। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना और समझना। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ उसमें क्या करे कि जब हम पहाड़ को दूर से देखते हैं तो उसके ऊपर जो आसमान है तो उसको क्या बताया है कि जो पहाड़ के ऊपर दूर से जब हम देखते हैं पहाड़ को तो उसके ऊपर जो आसमान है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पहाड़ ने साफा बांध रखा हो। साफा कौन बांधता है? किसान बांधता है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है और शाम हो रही है, और सूरज एक लाल रंग का हो रहा है और वो एक चिलम की भांति प्रतीत हो रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी पास ही बह रही है। घुटनों पर मतलब कि जो पहाड़ है इसके नीचे क्या है? नदी बह रही है, और नदी की तुलना यहाँ किससे की है? चादर से की है। और कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चादर उसके घुटनों पर पड़ी हो, पास ही दहक रही है, मतलब पास ही दहक रही है। जो घुटनों पर पड़ी हुई जो चादर है, नदी है, जो पहाड़ के नीचे से तैर रही है उसको बताया गया है। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सीता बैठा है भेड़ों के गले सा। इसमें क्या कहा है कि पलाश के जंगल के फूल है वो एक अंगीठी के समान लग रहे हैं, और पश्चिम दिशा से जो सूरज है वो छिप रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे भेड़ों का एक झुंड बैठा हो। फिर दोबारा देखो बेटा, इसमें कवि ने आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता। इसमें क्या कहा है कि जब हम पहाड़ को दूर से देखते हैं तो पहाड़ के ऊपर का जो हिस्सा, ऊपर जो आसमान है वो कैसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पहाड़ ने एक साफा बांध रखा हो। और बेटा सूरज की ओर ढल रहा है और पहाड़ के पास दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चिलम भर रहा हो। और पहाड़ के नीचे से नदी बह रही है, तो उसने कहा है कि वो जो नदी उसको ऊपर तक भिगो रही है, उसके घुटनों तक लग रही है पानी। और पास में ही पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के जो फूल है वो ऐसा लग रहा है कि जंगल में अंगीठी जल रही हो, और पश्चिम दिशा से सूरज ढल रहा है और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे भेड़ों का झुंड बैठा हो। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो। शाम ढल गई है बेटा, फिर क्या कहे? अचानक से मोर बोला कि जैसे किसी ने आवाज दी हो कि सुनते हो। चिलम होंगी धुआं उठा, सूरज हुआ अंधेरा छा गया। वो क्या कह रहे हैं? जो चिलम थी, चिलम यहाँ किसको बताया है? सूरज को। तो चिलम होंगी, चिलम उलट गई, अंधकार हो गया ना, और धुआं उठा, धुआं मतलब कि शरद ऋतु है तो धुआं मतलब धूप हो रही है, और सूरज डूब गया है, अंधेरा छा गया है, मतलब बिल्कुल शांत माहौल हो गया है, अंधकार छा गया है। अचानक से मोर बोलता है, ऐसे बोलता है कि जैसे किसी ने आवाज दी हो कि सुनते हो। चिलम उलट गई, धुआं उठने लगा, सूरज डूब गया और घना अंधकार छा गया है, और चारों तरफ शांति का माहौल हो गया है। तो बेटा इसमें पहाड़ को एक किसान का रूप दिया है, किसान के साथ उसकी तुलना की है कि जो पहाड़ होता है, पहाड़ को जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आसमान के टच होने वाला है, तो उसको पहाड़ को किसान और जो आसमान है उसको उसका साफा बताया है। जो किसान लोग अपने सर पर बांधते हैं उसको साफा बताया है। और बेटा सूरज ढल रहा है तो बिल्कुल लाल रंग का हो रहा है ढलते टाइम, अस्त होते टाइम, तो उसको क्या बताया? चिलम बताया है। चिलम बेटा जैसे गांव में लोग हुक्का पीते हैं तो उसके ऊपर अंगीठी रखी जाती है चिलम के ऊपर, और उसे हुक्के के ऊपर रख के फिर पिया जाता है, तो उसकी तुलना सूरज की तुलना चिलम से की है। और जो बेटा पलाश के जो फूल होते हैं उसकी
बैठा हो। और फिर क्या होता है बेटा, अचानक से मोर बोलता है और ऐसा लगता है, जब मोर बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आवाज दी हो, और जो चिलम थी वो उलट उल्टी हो गई है, धुआं उठने लगा। धुआं क्या है बेटा कि शरद मौसम था, सर्दी का मौसम था, जिसको हम धुंध धुंध जो होती है वो उठने लगती है, धुआं जैसी लग रही थी। सूरज डूब गया है, घना अंधकार छा गया है, चारों तरफ शांति का वातावरण हो गया है। ये बेटा हमारी कविता कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। थैंक यू।